वो आ गया है गांव में, दहशत में है पूरा गांव। अगर घर के दरवाजों में नीम के पत्ते, हल्दी और सिंदूर युक्त हाथों के पांच पांच पंजों के निशान नहीं लगाएंगे तो वो चोटी काट देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, वो गांव में आया है, महिलाओं की चोटी काट देगा। सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है गरियाबंद जिले की महिलाएं। आपको हम ये दहशत से भरी खबर बताएं, उससे पहले देखिए ये तस्वीरें। डरी हुई महिलाएं सुनसान मोहल्ले, घरों के दरवाजों में लगे ढेर सारे नीम पत्ते, साथ में पांच पांच हाथों के निशान। दरअसल ये नजारा है गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत फुलझर का। इस गांव में चोटी काटने वाली अफवाह ने हड़कंप मचा दिया है। कुछ जागरूक लोगों को छोड़कर पूरा गांव सहम गया है। महिलाएं शाम होते ही अपने परिवार के साथ घर के बाहर दरवाजों में बैठकर पहरा देती रहती हैं। Glibz.in की टीम ने इस खबर को सुनते ही उस गांव में जाने का फैसला लिया और इस बात की पड़ताल की कि आखिर ये सब इतनी तेजी से क्यों और कैसे फैल रहा है। हमारी टीम रात को गांव में पहुंची और जो नजारा हमने गांव में देखा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गांव के सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर से लेकर पूरे गांव के घरों में नीम के पत्ते और पंजों के निशान लगे हैं। जब इस फैलती अफवाह की शुरुआत की पड़ताल हमने की तो हमें पता चला कि गांव में वो चोटी काटने वाला आ गया है, जो इस तरह के उपयोग से वो घर में नहीं घुस सकता। बस फिर शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। हमारी टीम गांव में आगे बढ़ती रही और ग्रामीणों से इसकी जानकारी लेती रही। गांव के कुछ लोगों ने इसे अफवाह माना तो कुछ लोग इसे हकीकत बता रहे हैं। ग्राम फुलझर में खड़े हैं इस वक्त, शाम रात का वक्त है और आइए जानते हैं कि जो निशान और जो नीम के पत्ते घर के सामने लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है और क्या वजह है। तो यहाँ पे एक गांव की महिला बैठी हुई है, बुजुर्ग महिला है। माता राम बतावे, जो नीम के पत्ते और पंजा लगाया है कहते का बार लगाए का सुने हैं चुंदिल का जाती है काटे है। हाँ काटे है की क्या वो कौन मंगे काटे तो नहीं जानो बेटा सुने भर। हाँ ये पूरा गांव में इसने लगा दिया। हाँ। और तेल और हरदी ला ऐसे छाप देगी तो उसने छापे हैं। ऊपर से कहा हुई थी इससे कोई नहीं बताई। तानी आ घर में की सोई चुंदी कटिया है। पंजा के निशानों काबर लगा ये सब बाल काटा थे कहते तेकरे से ती लगा कि सब की तेकर से ती लगा। डर लगते बाल लगा। हाँ डर लगते। है? बाल काटने आता है रात के बोलता है। हाँ। दिखता नहीं है बोलता है। इसीलिए लगाया है ये नीम का पत्ता। नीम का पत्ता इसमें पंजा, उसमें टीका भी लगाता तो है। पूरा गांव में लगाया है। गांव में पूरा लगाया है। क्या बोल के लगाते हैं इसको? इसका बाल काटने आ रहा है क्योंकि महिला का। हाँ। इसीलिए लगाया है। अभी वो चोटी कटाई वाले सुनी आ गया है इसी कारण से लगाया गया है। क्या क्या लगाए हैं गाँव में? वो हल्दी का वो हाथ पे हथेली पे लेके चीना लगाया गया है और नीम का डाला लगाया है। लगभग हम ग्राम फुलझर के सभी गलियों में घूमे और लगभग जो घर है वहाँ इसी तरह का तस्वीर देखने को मिला। इससे साफ होता है कि ग्राम फुलझर के जो ग्रामीण है वो दहशत में जी रहे हैं। उनका यह मानना है कि रात के वक्त कोई चोटी काटने आता है और चोटी काट देता है। लगभग ये जो मामला है ये पूरे देश के कई विभिन्न राज्यों में इस तरह का मामला सुर्खियों पर रहा है और अब ये ग्रामीण अंचलों में दस्तक दे दिया है। और दहशत इतना भयंकर है, इतना जोरदार है कि ग्रामीण हर घरों में इसी तरह का उपयोग कर रहे हैं। Glibz.in इसकी पड़ताल की और पूरी तरह हम आपको बता दें ये एक अफवाह है। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस गाँव में पहुँचे और इस गाँव वालों को जागरूक करें ताकि अफवाह कोई दुर्घटना में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई अफवाह या कोई बात सामने आती है तो अक्सर बाद में तस्वीर घटना के रूप में सामने आती है। तो शासन प्रशासन इसे संज्ञान में लाए और कोई एक नई जागरूकता का कार्यक्रम करे, लोगों को इस अफवाह से दूर करे।
glyph.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए glyph.in के साथ। For more information, log on to www.glyphs.in.